हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ ताकि आप इस जर्नी की गहराई को समझें और इसकी गहराई को समझते हुए अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। और ये बात मैं बार बार अपने हर किसी वीडियो में बोल देती हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में पॉजिटिव रहिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए और अपनी जर्नी के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए ताकि आप इस जर्नी की गहराई को समझते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जब जो कॉस्मिक मदर के गर्भ से पैदा हुई, ठीक है, तब ये अपने आप में एक पूर्ण सोल थी, तब ये अपने आप में एक कंप्लीट सोल थी। क्योंकि हम लोग अपनी जो हमारी कॉस्मिक मदर है वो अपने आप में पूर्ण है, और जब देखिए जो वो अपने आप में पूर्ण है, जब उसके एक अंश को आप देखेंगे तो वो भी अपने आप में पूर्ण है या अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो ये जो सोल थी, यानी कि जो ट्विन फ्लेम सोल है, ये अर्थ पर आकर ट्विन फ्लेम सोल बनी है, लेकिन उससे पहले ये एक कंप्लीट सोल थी, अपने आप में पूर्ण थी। ठीक है, तो जैसे ही ये अर्थ पर आई तो ये स्प्लिट हो गई, यानी कि दो भागों में बट गई, और दो भागों में बटते ही ये एक डीएफ एनर्जी बन गई और दूसरी डीएम एनर्जी बन गई। क्योंकि उस पूर्ण सोल के अंदर डीएफ और डीएम दोनों ही गुण थे, लेकिन स्प्लिट होने के बाद ये दोनों ही बट गई, यानी कि एक डीएम एनर्जी अलग हो गई और डीएम से डीएफ एनर्जी अलग हो गई। तो इसी तरह से ये इसी झूठ में अपनी जर्नी को तय कर रही थी। डीएम को लग रहा था कि मेरे अंदर सिर्फ डीएम एनर्जी ही है, और डीएफ को लग रहा था कि मेरे अंदर सिर्फ डीएफ एनर्जी ही है। वो इसी तरीके से इसी झूठ के साथ जी रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, जब ये एक पूर्ण सोल थी, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देकर समझाने लगी हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि एक पूर्ण सोल थी, उस पूर्ण सोल के अंदर 1 to 10 डिजिट हैं, यानी कि एक पूर्ण सोल को बनाने के लिए उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो उसके अंदर पावर होनी चाहिए, वो 1 to 10 होनी चाहिए। ठीक है, और जो 1 to 10 डिजिट हैं वो अपने हर एक डिजिट की अपनी ही वैल्यू है, अपनी ही पावर है। ठीक है, अब एक सोल के अंदर 10 डिजिट थे, हर डिजिट का अपनी वैल्यू, अपनी पावर है, और लेकिन जैसे ही ये अर्थ पर आई तो ये बट गई, टूट गई, दो भागों में बट गई, और हाफ सोल के अंदर यानी कि 1 to 5 डिजिट चले गए और दूसरे हिस्से में 6 to 10 डिजिट चले गए। ठीक है, अब ये अर्थ पर आकर इसी तरह से जी रही थी, यही समझ रही थी कि मेरे अंदर जो हाफ सोल है, जिसके अंदर 1 to 5 डिजिट हैं, उसको लग रहा था कि मेरे अंदर इतने ही डिजिट हैं और मैं इतने में ही कंप्लीट हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी एनर्जी थी, यानी कि जो सोल का दूसरा हिस्सा था, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं यही महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर 6 to 10 डिजिट हैं और मेरे अंदर बस इतने ही डिजिट होते हैं, और इसी झूठ के साथ वो जी रही थी। ठीक है, आज तक। तो अब डिवाइन टाइम आया है, तो डिवाइन ने अब इस एनर्जी को एक टाइम दिया, एक जर्नी दी है, ये समझने के लिए कि भाई आप भले ही दोनों दो टुकड़ों में बट गई हो, लेकिन आपके अंदर भी कंप्लीट सोल वाले सारे ही गुण हैं, आपको सिर्फ ज़रूरत है उनको अपने अंदर जागृत करने की। ठीक है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा और गहराई से समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब ये एक कंप्लीट सोल थी तो इसके अंदर यानी कि डीएफ और डीएम एनर्जी थी। जब ये स्प्लिट हो गई तो ये इसके दो टुकड़े हो गए, यानी कि एक डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो बदल गई और दूसरी डीएम एनर्जी में चली गई। ठीक है, लेकिन अब डिवाइन चाहते हैं कि भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक सोल के अंदर जितने भी, अगर एक डिवाइन मदर के अंदर से एक अंश को निकालें तो उसके अंदर 10 डिजिट वाली सोल है, यानी कि वो इतनी अपने आप में कंप्लीट है कि उसके अंदर 10 डिजिट हैं। तो अगर 10 डिजिट वाली सोल को भी दो भागों में बदल दिया जाए तो हर एक सोल यानी कि दोनों सोल के अंदर भी 10 डिजिट हैं। तो ये चीज़ हमको डिवाइन याद करवाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं डीएफ एनर्जी और डीएम एनर्जी। अब डीएफ एनर्जी में भी दोनों ही एनर्जीज हैं, डीएम और डीएफ, और डीएफ डीएम एनर्जी के अंदर भी डीएफ और डीएम एनर्जी दोनों ही होती हैं। यानी कि जिस तरह से आपको मैं डिजिट के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए डीएफ एनर्जी के अंदर उसको ये लगता है कि मेरे अंदर 1 to 5 ही डिजिट हैं, मेरे अंदर अदर डिजिट नहीं है, वो इसी झूठ के साथ जी रही थी आज तक। और जो डीएम एनर्जी है उसको ये लग रहा है कि मेरे अंदर 6 to 10 डिजिट ही हैं, और वो भी इसी झूठ के साथ जी रही थी आज तक। ठीक है, लेकिन अब डिवाइन कहते हैं कि आपके अंदर 6 to 10 डिजिट भी आपके अंदर ही हैं, आपको उनको जागृत करना है,
और उनको जागृत करते हुए आपने अपने आप को एक कंप्लीट सोल बनाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो DF हैं उनके अंदर 1 to 5 डिजिट हैं, तो वो अपने आप पर इनर वर्क करके 6 to 10 डिजिट अपने अंदर क्रिएट करती हैं और उनको डेवलप करती हैं, और उनको डेवलप करने के बाद वो एक कंप्लीट सोल बनती है, क्योंकि उन्हें उनकी जो सोल है, उनकी जो एनर्जी है, उसने ग्रोथ की है, ठीक है। अपने खुद से ही खुद पर उसने ग्रोथ किया है, अपने आप को डेवलप किया है उस सोल ने, अपने आप पर वर्क करके उस एनर्जी ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि वो एक पूर्ण सोल बन जाती है, ठीक है। और इसी तरह से जब वो पूर्ण सोल कंप्लीट सोल बनती है, यानी कि उसकी जो जब वो कंप्लीट सोल बन जाती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो हाई लेवल की हो जाती है, वो हाई वाइब्रेशन में रहने लग जाती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से जो DM एनर्जी है वो भी अपने अंदर 6 to 10 डिजिट ही समझ रही होती है, लेकिन फिर वो जब अपने आप पर इनर वर्क करती है तो वो अपने अंदर 1 to 5 डिजिट को भी क्रिएट करती है, डिवेल्प करती है, जिसकी वजह से उसकी सोल की ग्रोथ होती है, वो अपनी एनर्जी को भी कहीं ग्रोथ कर, उसकी एनर्जी की भी ग्रोथ होती है, और वो भी हाई एनर्जी में रहना शुरू कर देती है, और वो भी एक कंप्लीट सोल बन जाती है। यानी कि ये दोनों ही सोल जो अपने आपको इनकम्प्लीट समझ रही थी कि हम लोग कंप्लीट नहीं हैं, वो अपने आप ग्रोथ करती हैं, अपने अंदर ही अपने मिसिंग डिजर्ट को डेवलप करती हैं और अपनी सोल को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हाफ जब जो अपने आप पर इनर वर्क कंप्लीट कर लेती हैं, तो जिसके अंदर 1 to 5 डिजिट ही थे, तो वो भी अपने अंदर 6 to 10 डिजिट को अपने अंदर क्रिएट करके वो 10 डिजिट अपने कंप्लीट करती है। इसी तरह से जो DM एनर्जी है वो भी अपने आप पर वर्क करके 1 to 5 डिजिट अपने अंदर क्रिएट करती है और डिवेल्प करती है, और वो भी अपनी सोल को कंप्लीट करती है, यानी कि 1 to 10 डिजिट अपने अंदर कंप्लीट कर लेती है, और वो एक कंप्लीट सोल बन जाती है। और जब ये दोनों ही कंप्लीट सोल, यानी कि जब दोनों ही हाई वाइब्रेशन वाली सोल जब आपस में मिलती हैं, तब ये और भी ज़्यादा हाई पावर वाली हो जाती है, तब ये और भी ज़्यादा हाई एनर्जी वाली सोल बन जाती है, यानी कि एक वो सोल बन जाती है जिसकी पावर, जिसकी एनर्जी, जिसकी फ्रिक्वेंसी आम सोल से कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे DF और DM के क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हमने अपने इनर वर्क कैसे करना है, हमने अपने इनर वर्क को कैसे कंप्लीट करना है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमारा DM अवेकन हो चुका है, कैसे पता चलेगा कि हमारी DF अवेकन है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन चल रहे थे, उससे उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर ही ये मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आपको पता चले कि आपको अपने आप पर करना क्या है, आपने अपने अंदर क्या डेवलप करना है, आपने अपने अंदर कौन सी चीज़ की ग्रोथ करनी है, आपने अपने अंदर अपनी मिसिंग एनर्जी को की ग्रोथ करनी है, अपनी एनर्जी को हाई लेवल में लेके आना है, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लेके आना है। देखिए, जिस चीज़ को मैंने डिजिट के थ्रू समझाने की कोशिश की है वो DF और DM एनर्जी है। DF के अंदर DM और DF एनर्जी होती है, तो जो DF है वो उसने अपने अंदर DM एनर्जी को डेवलप करना होता है, जिसको मैंने 6 to 10 डिजिट मिसिंग बोला है, और जो DM है उनके अंदर DF एनर्जी को बैलेंस में लाना होता है, जिसको मैंने 1 to 5 डिजिट की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इस तरह से फिर से समझाने की कोशिश की है कि आपको अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, आपने अपनी एनर्जी की ग्रोथ करनी है, आपको अपने आप की ग्रोथ करनी है, अपने आप पर इनर वर्क करते हुए, ताकि आप अपने आप में ही एक पूर्ण सोल बन जाएं, आप अपने आप को ही एक कंप्लीट सोल बन जाएं। जब आप अपने आप में कंप्लीट हो जाओगे, तब आपकी जो DM एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी आपके अंदर, वो डेवलप हो जाती है, तो जो आपकी सचमुच में जो DM एनर्जी है वो जागृत होना शुरू हो जाती है। और जब वो अपने आप पर इनर वर्क करती है, तो जो आप दोनों हाफ हाफ सोल हो, जब आप दोनों अपने आप को कंप्लीट सोल बना लेते हो, तब आप मैग्नेट की तरह, यानी कि आप इतनी, आप दोनों की वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है, आप दोनों एक मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींचने लग जाते हो, और आपका जो रीयूनियन है उस वो होके ही रहता है,
उसको कोई रोक नहीं सकता है। और आपके जो क्वेश्चन हैं कि डीएम कब आएगा, डीएफ कब आएगी, हमारा रीयूनियन कब होगा, हमारी जो जर्नी है इसका टाइम पीरियड कितना है, ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, मतलब हर एक चीज़ में आप लोग एक बाउंड्री बना रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक टाइम लिमिट बना रहे हो। तो इस जर्नी को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये टोटली आप पर डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी अपने मिसिंग पार्ट यानी कि अपने मिसिंग डिजिट्स जो आपके अंदर मिस हैं उनको कितनी जल्दी अपने अंदर क्रिएट करते हो, कितनी जल्दी आप अपने अंदर डिवेल्प करते हो, ठीक है। ये टोटली आप पर डिपेंड है, ये टोटली आपके इनर वर्क पर डिपेंड है, ये टोटली आपके कर्मास पे भी डिपेंड है, ये टोटली आपके डिवाइन टाइम पर भी डिपेंड है। तो आप जब एक कंप्लीट सोल हो जाते हो तब आपके ये जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ये बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने आप में ही पूर्ण सोल बन जाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी, ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।